प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम में 11,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं शुरू की। गुवाहाटी में वेटरिनरी कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शुरू की गईं। इनमें कुछ योजनाओं को राज्य सरकार और कुछ को केंद्र सरकार आर्थिक मदद दे रही है। पीएम मोदी ने लगभग 3,250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की नई इमारत की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने करीमगंज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की भी आधारशिला रखी। एवं एक बीते 10 वर्षों को देखो तो हमने देश में रिकॉर्ड संख्या में कॉलेज बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज बनाए हैं। पहले बड़े संस्थान सिर्फ बड़े शहरों में ही होते थे। हमने आईआईटी, आईएम्स, आईआईएम जैसे संस्थानों को उसका नेटवर्क पूरे देश में फैलाया है। बीते 10 वर्षों के दौरान देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब करीब डबल हो चुकी है। असम में भी भाजपा सरकार से पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 12 मेडिकल कॉलेज है। पीएम मोदी की शुरू की गई कुछ दूसरी मुख्य परियोजनाओं में कामाख्या मंदिर गलियारा, गुवाहाटी में नए हवाई अड्डे से 6 लेन की सड़क, नेहरू स्टेडियम का फीफा मानकों के अनुरूप विकास करना और चंद्रपुर में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुरू करना भी शामिल है। रविवार को पीएम मोदी के गुवाहाटी दौरे का दूसरा और आखिरी दिन था।